Resource provision for education is always a challenge for educational governors. Let's see if resources really matter in quality of education. Much of school policy is traditionally thought of as an exercise in selecting and ensuring that the optimal set of resources is available. Jab bhi aam taur pe school policy devise ki jati hai, usually annually school policy banai jati hai, to usme jo sabse bada concern hota hai, aur many times sirf usi ko hi school policy kaha jata hai ki kitna optimal resources jo hai unko school ke andar inject kiya jaye. So school policy is usually considered in terms of resources. So usko resource policy kehna zyada behtar hoga instead of school policy. Lekin this is traditional view of resource policy. Resources and students' test performance. Let's see what is the correlation between students' test performance and resources. Test performance bears little relationship to the patterns of expenditure across the countries. Test performance actually depend नहीं कर रही कि उस मुल्क के अंदर किसी एक खास मुल्क के अंदर education के ऊपर expenditure कितना हो रहा है. इसकी एक example US की है कि US के अंदर बहुत ज़्यादा expenditure है school education के ऊपर, but the students of the US are not performing very high on tests of mathematics and science. एक और study है जो कि देखी गई. Hanushek and Kimko noticed a consistent, statistically significant negative effect of added resources on students' performance after controlling for other influences. So, in this study, they have seen a consistently negative correlation, negative effect of added resources on students' performance. So, if you have बाकी के फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया है, बाकी के फैक्टर्स जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपने अगर उसमें मजीद रिसोर्सेज इंजेक्ट कर दिए हैं एक स्कूल के अंदर, तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव नहीं था बल्कि नेगेटिव था. एंड इट वॉज कंसिस्टेंटली नेगेटिव. तो हमें सवाल ये हम उठाएंगे फॉर एजुकेशनल गवर्नर्स, क्या रिसोर्सेज की अहमियत है एजुकेशन के अंदर या नहीं है. लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन रिसोर्सेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ज़्यादा रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत है और विच आर रियली एसेंशियल, दे आर क्लास साइज, टीचर्स क्वालिटी एंड टीचर सैलरी. दीज आर द रिसोर्सेज विच एक्चुअली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. आई रिपीट, क्लास साइज के आपने जो आपके रिसोर्सेज इस तरीके से यूटिलाइज किए जाएं कि जो क्लास का फिजिकल साइज है और जो क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट. अगर वो अप्रोप्रिएट होगा तो स्टूडेंट्स की टेस्ट परफॉर्मेंस बेहतर है, क्योंकि उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो रही है क्लासरूम का साइज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दूसरा टीचर की क्वालिटी है. सो ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पॉर्टेंट इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल रिसोर्स दैट इज गोइंग इनटू टीचर्स सैलरी. कि अगर टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिल रही है, देन दे आर गिविंग मोर इनपुट, एज अ रिजल्ट आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अल्टीमेट आउटकम्स आर इम्प्रूविंग. हम ये नहीं कह सकते कि बाकी के रिसोर्सेज की अहमियत नहीं है. बाकी के रिसोर्सेज से मुराद आपके आईटी इक्विपमेंट. आईटी इज बेसिक वन ऑफ द लिटरेसीज, तो आप उसकी बेसिक लिटरेसी के हवाले से तो सारी की सारी अरेंजमेंट करें, लेकिन एक्सेसिव अरेंजमेंट करने की ज़रूरत शायद के नहीं है कि क्या वहाँ पे एक स्कूल के अंदर लिफ्ट्स मौजूद हैं या नहीं, वहाँ का जो फर्नीचर है वो बहुत ग्लॉसी है या नहीं है, और बाकी की चीज़ें. ये जो चीज़ें हैं इनकी अहमियत ज़रूर है, बट दे डू नॉट एक्चुअली इम्प्रूव quality of education in our country. So the question remains for the educational governors, if resources really matter, and if they matter, which resources bring quality in education.